नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि फैक्ट्री में सीमेंट कैसे बनता है, इसे बनाने में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, मीन्स सीमेंट को बनाने का पूरा प्रोसीजर समझेंगे और साथ ही हम जानेंगे कि सीमेंट असली है या नकली कैसे पहचाने और आप ऑन प्रैक्टिकल इजीली कैसे सीमेंट के टेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त जॉन सैनी, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जॉन सैनी सिविल ट्रेनर। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी आने वाली और भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वैसे तो आप जानते ही होंगे कि इस सीमेंट का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन लाइन में किया जाता है, जैसे कि इसका इस्तेमाल घर बनाने में किया जाता है। सीमेंट अगर असली हो तो इससे बनी हुई बिल्डिंग और आपका घर का कुछ भी नहीं बिगड़ता और वह कई सालों तक सेफ और मजबूती के साथ खड़े रहते हैं। लेकिन वहीं अगर सीमेंट नकली हो तो इससे बनी बिल्डिंग और आपका घर को लॉस हो सकता है, जिस वजह से आपका पैसा और समय की बर्बादी को हो सकती है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप असली व नकली सीमेंट को पहचान सके। चलिए सबसे पहले यह जान लेते हैं कि सीमेंट को असली व नकली कैसे पहचाने। दोस्तों आप किसी भी मौसम में सीमेंट को अपने हाथ से पकड़ोगे तो वह ठंडा होना चाहिए। अगर सीमेंट में आपको थोड़ी सी गर्माहट महसूस हो तो समझ लीजिए वह सीमेंट खराब है या नकली है, जो कि आपके किसी भी काम का नहीं है। दूसरी चीज़ है दोस्तों, जब आप सीमेंट को अपने हाथ में पकड़ोगे, मीन्स जब आप सीमेंट को अपने हाथ में पकड़ कर उसको चेक करोगे तो आपको उसमें स्मूथनेस दिखाई देनी चाहिए, मतलब चिकनाहटपन दिखाई देना चाहिए। उसमें आपको बारीक बारीक कण नहीं महसूस होने चाहिए। यदि सीमेंट में बारीक बारीक कण महसूस होते हैं तो वह सीमेंट या तो नकली है या फिर वह खराब हो चुका है। अब तीसरा है दोस्तों, इसका कलर। दोस्तों यदि आप सीमेंट को एक सनलाइट में रखोगे तो आपको उसका कलर एक जैसा ही दिखाई देना चाहिए। यदि आपको उसका कलर में थोड़ा अलग अलग दिखाई दे, आपको ऊपर कुछ अलग दिखाई दे, नीचे कुछ थोड़ा बहुत अलग दिखाई दे, तो आप समझ सकते हो कि वह सीमेंट सही नहीं है। अब दोस्तों एक बेहद ज़रूरी बात है सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग डेट को लेकर, यानी कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट से 3 महीने तक सीमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। इसका कारण यह है कि इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, मतलब इसकी पकड़ काफ़ी दमदार होती है। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग डेट से 4 से 6 महीने तक सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि 4 से 6 महीने के बाद सीमेंट अपनी टोटल स्ट्रेंथ का 20 से 30% स्ट्रेंथ को ख़त्म कर देता है, जो कि आपके घर और बिल्डिंग के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बता देना चाहता हूँ, सीमेंट कौन सा है आपका, PPC या OPC, वह सभी सीमेंट बैग पर लिखा होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो यह PPC सीमेंट है और साइड में IS मार्का भी है। यह बैग का वेट 50 kg और यह नीचे की ओर लिखा हुआ है कि पैकिंग डेट से 3 मंथ तक ही आप इस सीमेंट का यूज़ कर सकते हैं, 3 मंथ के बाद यह सीमेंट आपके किसी काम का नहीं है। अब चौथा है दोस्तों फ्लोटिंग टेस्ट। हम क्या करते हैं, कुछ सीमेंट हाथ में लेकर पानी में छोड़ते हैं। अगर वह सीमेंट एकदम से नीचे डूब गया, मतलब वह सीमेंट काम करने लायक नहीं रहा, या तो वह सीमेंट नकली है या फिर वह खराब हो चुका है। जैसा आप देख पा रहे हो मैंने यह टेस्ट किया तो वह सीमेंट पानी में डूब गया, तो अब यह सीमेंट काम करने लायक नहीं रहा। तो दोस्तों यह तो था सीमेंट असली है या नकली उसको चेक करने का तरीका। अब हम जानते हैं कि फैक्ट्री में सीमेंट बनाने का पूरा प्रोसीजर क्या है। दोस्तों सीमेंट को बनाने में मुख्यतः 4 तरह के रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पहला है लाइमस्टोन, यानी कि चूना पत्थर। यह जो आप देख पा रहे हैं चूना पत्थर, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। दूसरा है लैटराइट, यह लैटराइट देखने में लाल मिट्टी होती है और इसमें मिट्टी की सबसे खास बात यह है इसकी कि इसे पकाया भी जा सकता है। अब तीसरा है सैलस्टोन, यह सैलस्टोन एक काला पत्थर होता है। दोस्तों यह आसानी से कहीं पर भी मिल जाता है। और आखिरी और चौथी है रेड मड, यानी कि लाल मिट्टी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इन सभी चीज़ों को पहाड़ों से तोड़कर खोदकर या ज़मीन के नीचे से निकाला जाता है, मतलब दोस्तों यह सब चीज़ें नेचुरल ही होती है, जो कि हमारी प्रकृति से हमें प्राप्त होती है। इन सभी चीज़ों को हासिल करने के लिए बड़े बड़े पहाड़ों को माइनिंग की जाती है, जिन्हें हम डिमोलिश करने के लिए बम विस्फोटक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह से बम ब्लास्ट से एक ही झटके में काफ़ी बड़ा पहाड़ भी टूटकर बिखर जाता है। फिर इस लाइमस्टोन को इकट्ठा कर ट्रक वगैरह में लोड कर JCB जैसी मशीन्स की सहायता से इन्हें फैक्ट्री तक पहुँचाया जाता है। इसके बाद इन चारों को एक एक करके क्रशिंग मशीन में डाला जाता है। यह क्रशिंग मशीन सभी चीज़ों को क्रश यानी कि बारीक करने का काम करती है।
ये सबसे पहले लाइमस्टोन या फिर लेटराइट, फिर सैलस्टोन और फिर रेडमड को अच्छे से बारीक कर देती है। फिर इसके बाद इन चारों मटेरियल्स को अच्छे से आपस में मिक्स करके इन्हें आगे भेजा जाता है। इन सारे रॉ मटेरियल्स को एक बड़ी सी गर्म भट्टी में गुजरना होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह गर्म भट्टी बड़े बड़े नालों के या फिर पानी के बड़े बड़े पाइप जैसी होती है। यह लोहे की भट्टी बेहद मजबूत होती है जो कि घुमावदार भी होती है और इस भट्टी का टेम्परेचर 1450 डिग्री से लेकर 1600 डिग्री तक होता है। और जब इस भट्टी में यह मटेरियल बिल्कुल पक जाता है वह बिल्कुल गर्म लोहे के जैसा लगता है। और इस प्रोसीजर को इस वजह से किया जाता है ताकि इसमें रासायनिक बंधन टूट जाए और फिर इसके अंदर एक नया कंपाउंड पैदा हो जाए और इस वजह से ही इसके अंदर एक ईंट से दूसरी ईंट को जोड़ने की शक्ति बन जाती है। दोस्तों यह भट्टी से निकलने के बाद सीमेंट काफ़ी बारीक बारीक टुकड़ों के रूप में निकलता है। इन सभी टुकड़ों को क्लिंकर कहते हैं और फिर इन सभी क्लिंकर यानी कि बारीक बारीक टुकड़ों को एक बड़े से ग्राइंडर के जरिए पीसा जाता है और साथ ही जिप्सम पाउडर को इसमें अच्छे से मिक्स किया जाता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये जिप्सम पाउडर का काम होता है जब आप मोर्टार बनाते हैं या कंक्रीट बनाते हैं उस समय सीमेंट को जल्दी से गाढ़ा होने से रोकना। बता देना चाहता हूँ यदि सीमेंट में जिप्सम पाउडर की मात्रा कम होती है या फिर जिप्सम पाउडर नहीं होता है तो वह सीमेंट जल्दी से गाढ़ा हो जाता है, वह खराब हो जाता है। दोस्तों अब इन सभी प्रोसीजर के बाद सीमेंट बनकर तैयार हो जाता है और फिर लास्ट में इसकी पैकिंग के लिए खाली बोरों को मशीन में फिट किया जाता है। और यह ऑटोमेटिकली मशीन होती है जो सीमेंट के बोरे को अच्छे से भर लेती है और लास्ट में ऊपर से सील भी कर देती है और एक चैन के द्वारा इनको बाहर भेज देती है। तो दोस्तों यह तो था सीमेंट बनाने का पूरा प्रोसीजर। आई होप दोस्तों आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी आने वाली और भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।